23 मई को ये साफ हो जाएगा कि किसे चुना है देश ने अपना 16वां प्रधानमंत्री। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कैसे आपके वोट की मदद से जीते हुए एमपी बनाते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर? आज आपको बताते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में ये मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, पर इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है। राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने का अधिकार है जिसे लोकसभा में बहुमत यानी मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन ने अपना नेता चुना है। अब बात करते हैं लोकसभा की। दरअसल हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा। आप जिन उम्मीदवारों को हर 5 साल में एमपी के तौर पर चुनकर भेजते हैं वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं होता है। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 543 को चुनने का हक तो जनता का होता है, पर दो सदस्य जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल ये कि आखिर किस स्टेट से कितने सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं, किस स्टेट में से कितने एमपीज चुनकर आएंगे ये पहले से ही तय होता है और उतनी ही सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं तो वहां से 7 उम्मीदवार जीतकर एमपी बनते हैं, जबकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं तो वहां की 80 सीटों से जीतने वाले उम्मीदवार एमपी बनते हैं। देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 272 एमपीज के सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी सारी मेहनत इस मैजिक फिगर के लिए की जाती है। जैसे बीजेपी ने 2014 में एनडीए गठबंधन की अगुवाई करते हुए चुनाव लड़ा था, पर उसके खुद के ही 282 एमपीज को जीत मिल गई थी। इस तरह से बीजेपी 30 साल बाद अकेले ही बहुमत पाने वाली पार्टी बनी थी। 1989 से 2014 तक हुए चुनाव में देश में कभी भी अकेली पार्टी को बहुमत मिलने वाली सरकार नहीं रही। 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए उसे टीएमसी, डीएमके और एनसीपी जैसे सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी। कांग्रेस ने इन पार्टियों के साथ मिलकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनावी नतीजे आने के बाद जिस भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है वह अपने नेता का नाम राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पीएम की शपथ दिलाते हैं। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक निश्चित समय में बहुमत साबित करने का मौका देते हैं। बहुमत साबित होने पर वो सरकार चलती रहती है। अगर किसी हालत में बहुमत साबित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है और उस व्यक्ति को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है।